फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अभी अपन इस चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और अभी तक का जो अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो तो काम आना ही आना, और कुछ नया इसमें अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ नई चीजें हमारे को सीखनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 देखें क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है a टू b f ऑफ x dx, ठीक है। तो अगर ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो भी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन x पे है ही ऑब्वियसली, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट तो है जैसे कि जैसे रह जाए, और ये अंदर का पूरा मामला चेंज कर दिया जाए। यानी अभी एक तरीके से क्वेश्चन x में है, आपने इसको चेंज करके y में कर दिया, सेम क्वेश्चन है, वेरिएबल उसका चेंज कर दिया, या फिर किसी भी वेरिएबल आपने उसको चेंज करके, लिमिट तो सेम ही रहेगी, आपने उसको f ऑफ t लिख दिया, then also answer remains same, answer में कोई change नहीं आता। इसको एक छोटा सा example लेके समझे अगर अपन, for example मान लो limit में a से b ले लेता हूँ, कोई भी हो और दूसरी भी हो सकती है कुछ भी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos x, तो ये property कह रही है कि आपने यहाँ cos y कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट a से b, cos y का इंटीग्रेशन sin y, लिमिट a से b। अब आप यहां पे अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो sin b हो जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो sin a हो जाएगा। अब यहां अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो sin b हो जाएगा, और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो sin a हो जाएगा। कोई फर्क पड़ना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है, हम किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, a टू b f ऑफ x dx, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपकी जो लिमिट है अभी a से b है, अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है इनको इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि b यहां आ जाए और a यहां आ जाए, ऐसा अपन कर सकते हैं, दोनों लिमिट को अगर इंटरचेंज कर दें तो फिर यहां माइनस लगाना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे भाई ये था a से b, सेम एग्जांपल वापस ले लेता हूं, इसका आंसर आपका क्या आया था? साइन बी माइनस साइन ए करके बताया था आपको भी। अब अगर मैं इस लिमिट को बी से ए कर देता हूं और माइनस नहीं लगाता हूं, अगर मान लो अभी, तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन तो वो साइन एक्स ही आना। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे साइन ए माइनस साइन बी आएगा, इन दोनों आंसर में किस चीज का फर्क है? माइनस का फर्क है ना, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई इक्वल का साइन यूज करना है तो इधर माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दे और यहां माइनस लगा दे, तो आंसर सेम हो गया कि नहीं हो गया? सेम हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि वी कैन इंटरचेंज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बट द साइन विल बी अपोजिट, ओके। दिस इज योर 2nd प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद आगे चले हम।
प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये लिमिट जो एस से बी, इस लिमिट को बाइफर्केट कर दिया जाए, जैसे मान लो ए से सी ले लिया मैंने, फिर मैंने सी से डी ले लिया, है ना, फिर ऐसे बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं अपन, और लास्ट में मान लो कि बीच में कोई डी ई एफ आ गया और ये वापस अपन ने बी पे खत्म कर दिया, है ना। इसको एग्जांपल से समझते क्या कहना चाह रही ये प्रॉपर्टी। मान लो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ बात को। सपोज करो लिमिट है 1 से 10, लिमिट कितनी है 1 से 10, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन अपन ले लें x dx, है ना। तो पहले तो अपन अगर इसका आंसर निकाले तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 1 टू 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ये आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 बाय 2 इसका आंसर है। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये 1 टू 10 है ना, तो आपने 1 से स्टार्ट करा मान लो 2 ले लिया x dx, प्लस फिर यार 2 से स्टार्ट करो और मान लो आपने ले लिया 3.5, हां कुछ भी ले सकते हैं 10 तक के बीच में x dx, फिर मान लो अपन ने 3.5 से स्टार्ट करा और 7.7 ले लिया, और फिर अपन ने 7.7 से स्टार्ट करा और 10 ले लिया, है ना। और चार पार्ट करे मैंने, ज्यादा भी हो सकते, कम से कम तो दो पार्ट होंगे, है ना, कम से कम दो तो होंगे, और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, कितने भी पार्ट हो सकते। अब ये इतने पार्ट कर दिए बट आंसर सेम ही रहेगा, चेक करते रहे। अभी मैं इक्वल लगा नहीं रहा हूँ, सेम आएगा तो अपन इक्वल लगा देंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट है 1 से 2, एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट है 2 से 3.5, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट है 3.5 से 7.7, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट है 7.7 से 10। अब अप्लाई करना शुरू करो, 2 का स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू, आगे चलो 3.5 का स्क्वायर बाई टू माइनस 2 का स्क्वायर बाई टू, प्लस 7.7 का स्क्वायर बाई टू माइनस 3.5 का स्क्वायर बाई टू, प्लस 10 का स्क्वायर बाई टू माइनस 7.7 का स्क्वायर बाई टू, ये अपन ने लिमिट अप्लाई कर दी। तो आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आपके पास क्या बचा 10 का स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू विच इज इक्वल टू 99 बाई टू, इक्वल आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि हम लिमिट के कितने भी पार्ट कर दें आंसर चेंज नहीं होता, ये दोनों साइड्स एप्लीकेबल है कि भाई अपन ये 1 टू 10 है इसलिए इतने पार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो उसको क्लब करके कंबाइन करके एक जगह भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये इधर से इधर की साइड ज्यादा यूजफुल है, मान लो ये चार पार्ट लिखे हुए तो अपन इतना सॉल्व करें, इतना कैलकुलेट करें, इससे अच्छा है कि हमने देखा कि लिमिट कंटिन्यूटी में 1 से 2, फिर 2 से स्टार्ट होगी, फिर 3.5 से स्टार्ट, बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए लिमिट, तो फिर इतना कर लेंगे जो जाए इसको ऐसे लिख लिया और दो लाइन में आंसर आ जाएगा। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप नोट कर लें, एग्जांपल चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, समझा मैंने दिए हैं आपको। चलो आगे चलते हैं, तो ये तीन एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सी, ठीक है, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं ये इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा और मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी का पूछा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो क्या है, ये a टू b f ऑफ x dx। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि ये कहती है कि लिमिट तो आपने सेम रखी। अब यहाँ पे जो फंक्शन है ना उसका जो वेरिएबल है एक्स है, इसको रिप्लेस करो, इसकी जगह कुछ और लगाओ, क्या लगाओ वो समझना आप। दोनों लिमिट को ऐड करो, पहले कितना आया ए प्लस बी आया, उसमें से जो वेरिएबल है क्वेश्चन का, वेरिएबल मतलब जैसे एक्स में लिखा हुआ था एक्स वेरिएबल हो गया, वाई में लिखा हुआ तो वाई वेरिएबल हो गया, तो क्वेश्चन का वेरिएबल क्या एक्स, तो ए प्लस बी दोनों लिमिट्स को ऐड करना है, उसमें से वेरिएबल एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, क्या होगा ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये जो फंक्शन है ना इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो ए प्लस बी माइनस एक्स। अब आप देख सकते हो बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, बट आंसर फिर भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो क्या कहना चाह रही है प्रॉपर्टी। मान लो कि अपन ने ले लिया कि पाई बाई सेवन से पाई बाई एट है ना, लिमिट ऐसे ले ली मैंने, और कॉस एक्स का अपन को इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा पहले तो ये देखो, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, pi by 7 से pi by 8, अपर लिमिट आपने अप्लाई करी तो sin pi by 8 माइनस sin pi by 7 ये आ रहा। अब अपन जैसा ही कह रहा है वैसा करते, ये कह रहा है कि लिमिट तो ऐसे कैसे रहने दो, और ये जो x है ना इसकी जगह pi by 7 plus pi by 8 माइनस x लगा, cos pi by 7 plus pi by 8 minus x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही चेंज हो गया पूरा, ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं, आसान है, कैसे करोगे इसको x मान सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, ये तो दोनों मिलके कांस्टेंट हो गए, तो x अपन किसको मान सकते हैं, जो ax plus b जैसा होता है, तो ये है ax plus b जैसा, तो cos x की तरह इंटीग्रेट कर दो sin pi by 7 plus pi by 8 minus x, ये होगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि जिसको आपने x माना है उसमें जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक, उससे डिवाइड भी करना होता है, तो माइनस वन से डिवाइड करोगे आप, माइनस वन से डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इस माइनस को आप बाहर रहने दो, कॉन्स्टेंट है, लिमिट इधर आ जाएगी, अब यहां x की जगह अपर लिमिट लगाओगे आप sin pi by 7 plus pi by 8 minus, यहां अपर लिमिट लगानी है तो pi by 8 लगा लो, फिर माइनस, अब x की जगह क्या लगाओगे, लोअर लिमिट लगाओगे आप sin minus pi by 7, अब ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों हो गए कैंसिल, sin pi by 7 बचा जो कि माइनस का हो जाएगा, और माइनस का साइन पाई बाई एट बचा जो कि प्लस का हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आया, साइन पाई बाई एट माइनस साइन पाई बाई सेवन। देख सकते हो कि दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब हम कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन ऐसा है कि हम इस प्रॉपर्टी, ये तो मैंने समझाया है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपन ने करके देख, बट इतने आसान से क्वेश्चंस को अपन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, प्रॉपर्टीज इसलिए इंट्रोड्यूस की जा रही है कि डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन आसान बनाया जा सके, न कि आसान दिखने वाले क्वेश्चन को अपन डिफिकल्ट बनाएंगे, है ना। वो अपन अभी जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप देखो बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बट इस प्रॉपर्टी के यूज से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल आपका काम है एक तो प्रॉपर्टी लर्न करना कि भाई ये नंबर की प्रॉपर्टी ये है, और दूसरा उसको समझना कि हाँ वास्तव में चेंज तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बात है। चलो देखो अब ये P4 प्रॉपर्टी जो है इसी का एक स्पेशल केस है, ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशल केस ऑफ P4, उसको भी आप P4 प्रॉपर्टी से जानोगे, बट ये स्पेशल केस क्यों बोल रहे हो, वो क्या है, यहां पे क्या है, अभी ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ A की जगह कुछ भी आ सकता है, B की जगह कुछ भी आ सकता है। अब हमने क्या करा, लोअर लिमिट जो है ना इसको फिक्स कर दिया हमने, लोअर लिमिट को क्या कर दिया,
फिक्स कर दिया कि ये जीरो रहे, यहां कुछ और नहीं आ सकता, और यहां हमने कह दिया चलो ए यहां कुछ भी आ सकता है, तो प्रॉपर्टी तो ये लगनी है, ठीक है। तो बस पर स्पेशल केस मतलब यहां एक स्पेशल पर्टिकुलर वैल्यू देती है। अब होना क्या है, जीरो में ए ऐड किया, ए आया उसमें से एक्स कटाया ए माइनस एक्स, तो इस एक्स की जगह ए माइनस एक्स कट जाएगा, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट ये पर्टिकुलरली इसका ज्यादा यूज होता है तो इसलिए हमने इसको अलग से लिख लिया। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज इसका होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। बड़ी आसान है, समझा दिया है कि अंतर तो कोई पड़ता नहीं, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो P4 के बाद में वैसे तो P5 प्रॉपर्टी, P6 प्रॉपर्टी ये आएगी, बट मैं सीधा P7 पे जंप कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि P4 और P7 प्रॉपर्टी का साथ साथ ही यूज होता है, इसलिए इसको समझना पहले जरूरी है, इसके साथ ही समझेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है 0 टू a f of x dx, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये क्वेश्चन होगा, इसीलिए साथ साथ समझा रहा हूं। इसमें तो ऐसा होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो अपर लिमिट है ना ये हाफ हो जाती है। अपर लिमिट अगर मान लो पाई है तो पाई बाई टू हो जाएगी, वन है तो वन बाई टू हो जाएगी, ठीक है, हाफ हो जाएगी अपर लिमिट, और बाहर मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा, याद कर ले, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, बाहर मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा, बाकी सारा मामला जैसा है वैसा ही। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कभी भी कर सकते हो, हमेशा कर सकते, इसकी एक कंडीशन है, एक शर्त है, अगर वो शर्त वो कंडीशन फॉलो हो रही होगी क्वेश्चन में तो ही अपन ऐसा कर पाएंगे। तो शर्त क्या है, इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, यानी कि जो क्वेश्चन ऐसा है उसमें अगर हम f of a minus x की वैल्यू निकाल रहे हैं और वापस f x आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे इस बात को मैं अभी समझाऊंगा एग्जांपल से, ठीक है। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका एक पार्ट हो रहा है, यानी इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा जीरो, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है f of a minus x की वैल्यू माइनस f of x आ जाए तो फिर उसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो कर। देखो इसको बड़ा समझाता हूं क्या मतलब है, एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 टू पाई, ठीक है, ये हमने लिखा और इधर लिखा हुआ है साइन। मैं इनको समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स काम में ले रहा हूँ, बट जैसा मैंने कहा इनका यूज अपन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए करेंगे, न कि आसान क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने। ये है अभी आपके लिए ये एफ एक्स हो गया, ये जीरो हो गया और ये ए हो गया, एफ एक्स क्या है आपके पास साइन एक्स। अब ये लगेगा या ये लगेगा, ये कैसे पता लगेगा, दोनों ही केस में वैल्यू आपको किसकी निकाल के देखनी है, f of a minus x, f of a pi minus x, यानी कि sin pi minus x, तो f of pi minus x की वैल्यू, sin pi minus x क्या होता है, ये sin x होता है, f of a minus x की जो वैल्यू आ रही है वापस fx की जैसे आ रही है, f of a minus x की वैल्यू वापस कैसे आ रही है, fx की जैसे। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट अप्लाई कर सकते हो आप, इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 टू पाई बाय 2, अपर लिमिट हाफ हो गई, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब। आप दोनों का आंसर निकाल के देख सकते हो, सेम ही आएगा, प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई होगी, ठीक है। और ये कब अप्लाई होती, अगर ये भी माइनस साइन एक्स आ जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से पाई हमने ले लिया,
कोसेक्स भी जान लेते, चलो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में बता दूंगा कोसेक्स की पावर्स से। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये वैसे जाओगे आप सीधा जो अपन ने 9th चैप्टर वगैरह पढ़ लिया है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने कराया नहीं आपको, होता तो है बट काफी लंबा चौड़ा। तो अभी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके लिए, ये f(x) का काम कर रहा है, आप f of a minus x निकाल के चेक करो क्या आता है। अब cos phi minus x होता है माइनस का cos x और पावर में 7, तो f of phi minus x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस cos की पावर 7x। इट मींस f of phi minus x इज इक्वल टू माइनस f of x। तो ये वाला केस बन रहा है, तो ये वाला केस बन रहा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये इसका स्पेशल केस। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 के दो पार्ट होते हैं, ये पार्ट कब लगता है जब f of a minus x की वैल्यू f x आती है, और सेकंड पार्ट कब लगता है जब f of a minus x की वैल्यू minus f x आती है। तो ये प्रॉपर्टीज आप एक बार वीडियो को पॉज करके और नोट कर ले ढंग से, और P4 और ये जो अभी जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसको नोट कर ले। अब देखो ये प्रॉपर्टी समझने के बाद एक दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, है ना, पता नहीं आपके उठा है कि नहीं उठा है, क्या है भाई इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं, ये तो दोनों सेम है, तो कब मेरे को ये लगानी है, कब मेरे को ये चेक करनी है, ये कंफ्यूजन रहेगा। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं भी एकदम, ठीक है, और ये क्लियर होना जरूरी भी है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी हमको लगानी है। तो ये मैं इरेज करता हूं और इसके बाद में क्या है, समझो आप क्वेश्चन आपका ऐसा है 0 टू a f of x dx, क्योंकि दोनों में ऐसा ही था, तो एक चीज तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करने की जरूरत महसूस हो रही है, ऐसा मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, तो हमको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए P4 या P7 P4 या P7। भाई ऐसा क्वेश्चन है और अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है तो या तो P4 यूज करूंगा या P7 यूज करूंगा, अभी दोनों में से कौन सी यूज होगी वो पता नहीं है, तो अब मेरे को पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं f of a minus x की वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा f of a minus x, तो इसके तीन तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट, आपने f of a minus x की वैल्यू निकाली तो आपको मिल गया f of x मिल गया, जैसे मैंने भी करके बताया, तो अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो आप P7 प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट अप्लाई करो। P7 प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अपर लिमिट हाफ कर दो मल्टीप्लाई में 2 लिख दो। आपको f of a minus x की वैल्यू निकालनी, अगर वो fx आ जाए तो P7 प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट लगेगा, ये क्या कहता है, अपर लिमिट हाफ कर दो मल्टीप्लाई में 2 लिख दो, बाकी क्वेश्चन जैसा है वैसा ही रहेगा, इज इट क्लियर। बट हो सकता है कि आपने इसकी वैल्यू निकाली और ये ना आई, तो फिर ये आ सकती है माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, जो भी करके बताया। तो अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ रही है तो आप P7 प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट लगाओगे, और ये P7 प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि भैया इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो सकता है कि आपने f of a minus x की वैल्यू निकाली, न तो f(x) आया और न माइनस f(x) आया, इन दो के अलावा कुछ और ही आ गया, न तो f(x) और न माइनस f(x), दोनों ही नहीं है, तो फिर दोनों ही नहीं है, इन दोनों में से लगनी नहीं, तो फिर आपका
पी फोर का जो स्पेशल केस है, या पी फोर ही बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, बोल रही है पी फोर का स्पेशल केस क्या बोलता है, वो कहता है कि ये लिमिट में कोई छेड़छाड़ तो करनी नहीं है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स के प्लेस में एफ ऑफ ए माइनस एक्स दर्ज हुआ, हमने ये लिखाया जाके देखो, तो ये चीज है। अब इसको आप एकदम बिल्कुल ढंग से दिमाग में क्लियर कर लेंगे, ठीक है बड़ा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखो आप बिना बोर्ड पे देखे समझे, अगर आप सीरियसली पढ़ी रहे हो, क्वेश्चन जीरो से ए लिमिट का है तो तुरंत दिमाग में क्लिक क्या होना चाहिए, पी फोर या पी सेवन, इतना क्लियर। अब पी फोर या पी सेवन में से कौन सा लगेगा, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालो। इसके तीन रिजल्ट पॉसिबल है, हो सकता है कि रिजल्ट आपका एफ एक्स आ जाए वापस, तो अगर एफ एक्स आ रहा है तो पी सेवन प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट अप्लाई होगा, मतलब क्या करेंगे उसमें, अपर लिमिट हाफ मल्टीप्लाई में टू कर देंगे, लेकिन हो सकता है रिजल्ट एफ एक्स ना आए, रिजल्ट माइनस एफ एक्स आ जाए, तो अगर रिजल्ट माइनस एफ एक्स आ गया तो पी सेवन प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट अप्लाई करेंगे, जो कि क्या कहता है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हो सकता है रिजल्ट एफ एक्स भी ना आए, माइनस एफ एक्स भी ना आए, दोनों ही नहीं आ रहे, तो कोई तीसरा ही रिजल्ट आ रहा है, तो फिर P4 प्रॉपर्टी का स्पेशल केस, ये क्या कहता है, लिमिट तो सेम रखो 0 टू a, fx के प्लेस में f ऑफ a माइनस x रख दो आप, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टी होगी, और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन इन प्रॉपर्टीज को समझना पहले जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको आप ढंग से समझो, ठीक है। चलो तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह। अब मैं थोड़ा सा इसी को पी फोर पी सेवन को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, फिर अपन बाकी क्वेश्चंस वगैरह कल आपको, अगर ये आज देख के और थोड़ा इनको लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे प्रॉपर्टीज को, स्पेशली आप पी वन पी टू पी थ्री, तो बस नॉर्मल प्रॉपर्टी है, उनका ज्यादा यूज भी कुछ होना नहीं है, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में विशेष उनका योगदान भी नहीं है, मेनली जो अभी बताइए पी फोर पी सेवन, ये ज्यादा जरूरी है। तो देखो मैं एक एग्जांपल आपको करके बता रहा हूं इससे, देखो एग्जांपल नंबर 13 करके बता रहा हूं, या चलो ये 13 को अपन बाद में लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक चीज नहीं बतानी जरूरी है, चलो एग्जाम्पल नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट बताता हूं, है ना, इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले जाता हूं, I इज इक्वल टू 0 टू 8 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 8 माइनस। अब आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा मैंने कहा था कि हम कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रश्नों को आसान बनाने के लिए इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा कि क्वेश्चन 0 से a टाइप का है, है ना, 0 से a टाइप का है, तो इसका मतलब p4 या p7, उसके लिए सबसे पहले f ऑफ a माइनस x की वैल्यू निकालो, ठीक है, f ऑफ a माइनस x मतलब क्या, x के प्लेस में क्या लगेगा, a यानी 8 माइनस x लगाओगे, जहां जहां x आ रहा वहां क्या लगाओगे, 8 माइनस x, जरा लगा के देखो एक बार, 8 माइनस x, 8 माइनस x, 8 माइनस, 8 माइनस x, आपने जब इसको सॉल्व करा या तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, हमने तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के देखी, तीन में से कौन सा रिजल्ट आ रहा है, देखो देखिए, क्या ये एफ ऑफ एक्स है क्या, नहीं, क्या ये माइनस एफ ऑफ एक्स है क्या, नहीं, तो शुरुआत के दोनों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी, पी फोर का स्पेशल केस, पी फोर का स्पेशल केस, तो यहां मैंने जगह छोड़ी भी, यहां पर लिखेंगे बाई पी फोर यूजिंग पी फोर, प्रॉपर्टी लिख देंगे पहले एक बार, क्या प्रॉपर्टी है अपन यूज कर रहे हैं, 0 टू a f of x dx टाइप में तो क्वेश्चन, अब ये कह रहा है ऐसे क्वेश्चन को ऐसा करो, लिमिट सेम रखो, इसके प्लेस में a माइनस x करो, ये कहना चाह रहे हैं, तो देखो
आई इज इक्वल टू लिमिट सेम रखो और इसके प्लेस में हम ए माइनस एक्स को लगा ही चुके हैं पहले, इसी को यूज कर लेता हूं, सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो है भी प्रॉपर्टी पी फोर यूज होगी। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे? अब आप याद रखना, जब भी हम पी फोर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जब भी करेंगे, तो हम ये जिसमें हमने यानी ये प्रॉपर्टी इसमें लगाई थी इसको इक्वेशन नंबर वन, और सॉल्व करने पे जो आया उसको इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। जब भी हम पी फोर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर वन एडेड विद इक्वेशन नंबर टू, ठीक है? तो आई प्लस आई क्या हो गया? टू आई, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करोगे तो पहले ये वाला पार्ट प्लस दूसरे वाला पार्ट यस। अब देखो इन दोनों की लिमिट तो सेम ही, फंक्शन अलग अलग है, तो इन लिमिट तो एक जगह कर लो आपको यस, और इन दोनों को ऐड कर दो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ये एक आप नोट कर लेंगे, बाकी चीजें जो है हम कल शुरू करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि P4 और P7 प्रॉपर्टी ढंग से दिमाग में बैठा लें तो आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, हम पहले गए, ठीक है? तो ये आपको करना पड़ेगा प्राइमरी। थैंक यू वेरी मच।